दोस्तों यही तानसेन का मकबरा है जिनके गाना गाने से बारिश हो जाती थी। जी हाँ, यही मकबरा है, इनके गाने में इतनी पावर होती थी कि बारिश हो जाती थी। तो दोस्तों यही वो इमली का पेड़ है जिसके पत्ते खाने से आवाज़ सुरीली हो जाती है। जी हाँ, यही वो पेड़ है, कहते हैं इसके पत्ते खाने से आवाज़ सुरीली हो जाती है और बहुत से लोग इसके पत्ते खाते हैं। आप देखिए अभी इसके पत्ते कुछ नहीं रहे। हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज आया हूँ मैं ऐसी जगह ग्वालियर के अंदर, आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, जब भी हम संगीत का नाम लेते हैं तो एक शख्स का नाम आता है। किसका? आप समझ ही गए होंगे, तानसेन। जी हाँ, अकबर के नौ रत्नों में से एक थे तानसेन। आज हम तानसेन का मकबरा है उसे एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए अंदर, अंदर जाता हूँ मैं करीब उसके और आपको बताता हूँ मैं तानसेन का मकबरा और तानसेन के बारे में। चलिए। जन्मे मियाँ तानसेन। 5 साल की उम्र में तानसेन ने संगीत का ज्ञान संत हरिदास से पूरा कर लिया था। ग्वालियर में जब मानसिंह तोमर के शासनकाल में मोहम्मद गौस से इन्होंने सूफी संगीत का ज्ञान अर्जित किया और जो मोहम्मद गौस थे इनके गुरु थे तानसेन के। जो आप मेरे पीछे मकबरा देख रहे हैं वो है मोहम्मद गौस का मकबरा और आपको लेफ्ट साइड पर जो दिखेगा ये देखेंगे आपको तानसेन का मकबरा। देखिए, हिंदू और मुस्लिम विधियों से जलाया और दफनाया गया तानसेन को। अब हम उसके करीब जाते हैं तानसेन के मकबरे के और एक्सप्लोर करके, चलिए मेरे साथ। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं तानसेन के मकबरे के अंदर, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ ये तानसेन का जो मकबरा है ये अकबर के नौ रत्नों में से एक थे तानसेन, ठीक है। इनको नाम दिया गया मियाँ तानसेन। ये देख सकते हैं ये है तानसेन का मकबरा, आप देख सकते हैं। और इनके बारे में मैं आपको बताऊँ, ये दो तरह के गीत गाते थे, राग मल्लार और दीपक मल्लार। जब ये दीपक मल्लार गाते थे तो दीपक की लहू धलकने लगती थी और जब ये राग मल्लार गाते थे तो ऐसा मौसम ऐसा हो जाता था जैसे बारिश आने वाली। तो इनके संगीत में इतना पावर था तानसेन के, तो इसलिए उस वक्त का सबसे बड़ा इनको उस वक्त का क्या अभी तक का सबसे बड़ा संगीतकार माना जाता है तानसेन को। देखिए ये है मकबरा कितना अच्छा बना हुआ है, अपने गुरु के करीब उन्होंने बनाए ये मकबरा जो आपको देखने मिलेगा तानसेन का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ आपको बहुत सारे मकबरे दिखेंगे इसके पास में, तानसेन के मकबरे के पास में। तो ये भी संगीतकार थे उनके साथ के, जो उनके जो टीम मेंबर थे उस वक्त के, तो उनके मकबरे हैं ये आपको देखने मिलेंगे, जो तानसेन के साथ जो संगीतकार थे उनके मकबरे। तो ये आप पता लगा सकते हैं कितना उनका दर्जा ऊपर था, कितने बड़े वो संगीतकार थे, जो कि उनके जो टीम मेंबर है जो संगीत बजाने वाले, तो उन्होंने भी अपनी ख्वाहिश अपनी जाहिर करी तानसेन के करीब उनके मकबरे हो। ये उनके मकबरे हैं, देखिए आप। तो दोस्तों ये वो इमली का पेड़ है जिसके पत्ते खाने से आवाज़ सुरीली हो जाती है। जी हाँ, ये वो पेड़ है, कहते हैं इसके पत्ते खाने से आवाज़ सुरीली हो जाती है और बहुत से लोग इसके पत्ते खाते हैं। आप देखिए अभी इसके पत्ते कुछ नहीं रहे, कितने लोगों ने पत्ते तोड़ तोड़ के लिए चले गए और उसको खाए। तो ये एक मान्यता है, जो ये पेड़ के अगर इमली के पेड़ के पत्ते आप खाएंगे तो आपकी आवाज़ सुरीली हो जाएगी। तो ये वो पेड़ है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तानसेन के मकबरे के लेफ्ट साइड में आपको एक मस्जिद दिखेगी, ये 5 मेहराबे वाली मस्जिद है।
आप देख सकते हैं कौसिया मस्जिद, यहाँ आज भी अजान दी जाती है और नमाज होती है 5 वक्त। ये देखिए आप, ये है मस्जिद जो कि अकबर के वक्त बनी थी। सबसे पहले ये मस्जिद बनी थी, फिर ये मकबरा बना था जो तानसेन के गुरु मोहम्मद गौस का, फिर तानसेन का मकबरा बना था। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मोहम्मद गौस का मकबरा है। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत बना हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी पिलर्स कितनी अच्छी है, हेक्सागोनल शेप में है। मैं थोड़ा आपको अंदर ले जाके करीब से थोड़ी बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए आपका आज जो बोल रहे हैं देख सकते हैं। तो निकलने के बाद एक इधर से एक रास्ता है, एक ग्राउंड है, मैं आपको वो बताता हूँ और इसके अंदर की कारागिरी बताता हूँ कैसी है। देखिए आप कितने अच्छे से खिड़कियाँ बनी हुई, कितनी खूबसूरती लग रही है। देखिए इस मोहम्मद गौस के मकबरे, ये देखिए बीच में मकबरा है और ये पूरा राउंड है। देखिए कितनी खूबसूरत है ये, इधर पोर्शन से भी देखिए आप इस मकबरे को। 16वीं शताब्दी में बनाया गया था ये मकबरा। कितना खूबसूरत है इसकी कारागिरी, आप देखिए कितनी अच्छे से बनाई हुई, कितनी उन्दा कारागिरी की हुई। आप देख सकते हैं इसके के आज भी है ऐसा, ये पूरा राउंड है। और ये साइड में आपको जो दिखेगा, ये साइड में दिखेंगे आपको मकबरा, मोहम्मद गौस का मकबरा। बहुत से लोगों ने धागे वगैरह भी माने जिनकी मुरादें होती है उन्होंने। देखिए आप कितनी खूबसूरत, ये अकबर ने बनवाया था मोहम्मद गौस का मकबरा, ये अकबर के वक्त का है। अब ये पूरा हम राउंड करके आए, ये देखिए यहाँ कुछ आपको कब्रें दिखेंगी ये साइड में। देखिए यहाँ भी है, अब इधर से रास्ता है, पूरा गोल घूम के आए हम, इधर से निकल जाते। ये आ गए हम इस साइड में, यहाँ भी कब्रें हैं, मकबरे हैं। ये देखिए ये आ गए हम ये साइड में, कितना खूबसूरत है इस मकबरा, इसकी कारागिरी कितनी खूबसूरत है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसके विंडोज़ पे काम किया गया है और रोशनी कितने अच्छे से आती है। और ये जो उसका एंट्रेंस था, इसका टॉप देखिए आप कितना अच्छा है बना हुआ है, बहुत खूबसूरत ये एक मकबरा। आपको उसके बैक साइड में, हम अभी बैक साइड में बहुत सारे मकबरे दिखेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत सारे मकबरे हैं, देखिए आप बहुत सारे ये मकबरे हैं बैक साइड में। अब ये किसके है ये तो मैं पुष्टि नहीं कर सकता एग्जैक्टली, मगर यहाँ बहुत सारे इसके बैक साइड में आपको मकबरे दिखेंगे अलग अलग तरीके से। और ये सब मगर जब अकबर के वक्त बना था 16th century में। तो दोस्तों ये बहुत खूबसूरत जगह है, तानसेन का मकबरा, मोहम्मद गौस का मकबरा, और इसकी कोई टिकट नहीं है। और यहाँ आने के बाद आपको एक इतिहास जानने मिलेगा तानसेन का, मोहम्मद गौस का, और इतना खूबसूरत जो मकबरा बना हुआ है ये अकबर के वक्त बना था। तो सोचिए उस वक्त की कारागिरी आपको यहाँ देखने मिलेंगी। तो मैं ये ब्लॉग में यहीं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई जगह। थैंक यू।